यूटिलिटी बिल्स जो आते थे वो डबल और ट्रिपल हो गए हैं। आज आम नागरिक को सबको परेशानी हो रही है। केईआरसी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल बढ़ाया है उसको वापस ले और हमारा इंडस्ट्री को बचाए, यहाँ के लोगों का उद्योग को बचाए। बिल जो 1000 रुपए आता था एक गृहिणी को, आज 3000 रुपए आ रहा है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, MSK मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई BSc डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। आज कलबुर्गी बंद चेंबर ऑफ कॉमर्स के तरफ से बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और KREC इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो आते थे वो डबल और ट्रिपल हो गए हैं। आज आम नागरिक को, आम व्यापारी को, आम इंडस्ट्रियलिस्ट को, सबको परेशानी हो रही है, क्योंकि बिल जो 1000 रुपये आता था एक गृहिणी को, आज 3000 रुपये आ रहा है। एक इंडस्ट्री कैसे चलना चाहिए? इंडस्ट्री का ब्लड होता है इलेक्ट्रिसिटी। इंडस्ट्री आज जिसको 50,000 रुपये दाल मिल के लिए आता था, आज 1.5 लाख रुपये आ रहा है। कैसे भरेंगे बिल? वो सब बंद हो जाएंगे। ये सरकार इंडस्ट्री बंद करने पे तुली हुई है। ये अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। हम इस पे होराटा करेंगे और इसके आज के लिए आज बंद का डिक्लेयर किए हैं। अगर आज सरकार हमारी इस बंद का और कम नहीं करती है, दरें कम नहीं करती है बिजली की, तो हम फिर से उग्र स्वरूप से हम होराटा करेंगे और आगे भी हम जलसा करके सरकार को चेतावनी देंगे। आज का दिन कल्याण कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओर से ये जो KERC का जो पावर टैरिफ हाइक हुआ है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज पूरा कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट आज हमारे अफिलिएटेड एसोसिएशन के साथ हमारे साथ हैं और सभी स्व इच्छा से बंद किए गए हैं। और इसके अलावा ही हमारे जो घरेलू उपभोक्ता है, डोमेस्टिक यूज़र्स, वो भी हमारे साथ है। और कर्नाटक के सभी डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आज का दिन पूरा कर्नाटक में बंद का ऐलान किया गया है। ये जो KERC का जो प्राइस हाइक है, ये इसको हम खंडन करते हैं। और आज हम पूरे व्यापार ट्रेडर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ अभी कुछ ही मिनटों में यहाँ से रैली के जरिए हम DC ऑफिस के जाके हमारा जो मेमोरेंडम है हम DC साहब को हम दे रहे हैं। कर्नाटका के गुलबर्गा शहर में ये KERC जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो बढ़ाया है, इसके विरोध में और इसको प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे कल्याण कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और 22 एसोसिएशन के साथ हम यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए उतारे हैं। हमारा एक ही मांग है कि KERC इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल बढ़ाया है उसको वापस ले और हमारा इंडस्ट्री को बचाए, यहाँ के लोगों का उद्योग को बचाए। इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ने का मतलब ये है कि महंगाई को बढ़ावा देना ये है कि आम आदमी के, जनता के ऊपर इसका महंगाई का असर पड़ेगा और इंडस्ट्री का प्रॉफिट पर भी असर पड़ेगा। इंडस्ट्री के प्रॉफिट पर असर पड़ेगा तो जॉब्स के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट और KER से रिक्वेस्ट करते हैं, हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा इंडस्ट्री बचे, यहाँ के लोगों का जॉब बचे, यहाँ का बिजनेस बचे। और हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना बिल जो बढ़ाया है उसको वापस ले और इंडस्ट्री को बचाए।